नमस्कार, मैं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। महिलाओं की स्थिति क्या और कितनी सुधरी है, इस पर बहुत सी अलग अलग राय है। बहुत से काम भी ऐसे हो रहे हैं आजकल जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही हैं, वो किसी से कम नहीं। लेकिन घर के चार दीवारी में जो उसकी दुनिया है, क्या वहाँ की स्थिति पर गौर किया जाता है? क्योंकि इसका असर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। महिलाएं चाहे जितने ऊंचे ओहदे पर आ जाएं, आज भी घरेलू हिंसा से उसका नाता टूटा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो किसी ओहदे पर नहीं है उनके साथ ऐसा हो तो ठीक है। नहीं, ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन अफसोस, ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। खबर में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे चैनल पे हमारी खबरों को देखने वालों में से 70% के लगभग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। और लाइक और शेयर भी करिए ताकि हम आप तक ऐसी खबरें और जानकारियां लाते रहें। अब चलते हैं वापस खबर की ओर। भिलवाड़ा के मांडल में एक महिला जज से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला जज ACJM यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर पोस्टेड है। पूरे मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा SP को 30 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मांडल में पदस्थापित ACJM पूनम मीणा ने चित्तौड़गढ़ के बेगू SDM मुकेश मीणा पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला जज ने 5 जुलाई 2020 को पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया। भीलवाड़ा का महिला थाने में FIR दर्ज हुई थी। अब मारपीट और दहेज यातना के मामले में पुलिस ने पति RS अधिकारी मुकेश मीणा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। मामला दर्ज होने के करीब 14 महीने बीतने के बाद भी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करने पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। मांडल ACJM पूनम मीणा ने 5 जुलाई 2020 को पति जयपुर के टोंक फाटक निवासी मुकेश मीणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि उनका विवाह 19 अप्रैल 2018 को मुकेश मीणा से हुआ। मुकेश और उनके परिवार के सदस्य 5 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आरोपी ने 30 जून 2020 को पीड़िता से गंभीर मारपीट की, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया। भीलवाड़ा महिला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही थी और बाद में इसकी जांच DSP अजमेर ग्रामीण और उसके बाद एडिशनल SP सिंघाड़ा चंचल मिश्रा को दे दी गई। SSP मिश्रा का तबादला होने पर ASP सिंघाड़ा गोवर्धन लाल खटीक जांच कर रहे थे। उन्होंने जांच के बाद चार्जशीट महिला थाने को भिजवा दी। महिला थानाधिकारी शिल्पा भादविया ने इस मामले में आरोपी RS अधिकारी मुकेश मीणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 498A और 323 के तहत चार्जशीट JM2 कोर्ट भीलवाड़ा के समक्ष पेश कर दी। यदि विवाहित महिला अपने पति या उनके रिश्तेदारों पर क्रूरता या किसी मानसिक, शारीरिक या किसी अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो उस महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस धारा के तहत अपराध को गंभीर माना गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। धारा 323 के अनुसार जो भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।